वेलकम टू डेली न्यूज 24। ससुराल सी मर्कट 2 के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ पूरे परिवार के खिलाफ जाकर आरव खड़ा रहेगा सिमर के साथ, वहीं दूसरी तरफ रीमा को आखिरकार रीमा को मिलेगा अपने पापा का प्यार। जी हां, दरअसल यहां पर आप देखेंगे कि सिमर अपने पापा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने पापा के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और ये देखकर आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सिमर को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, वो सिमर से ये वादा करता है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा, वो पापा जी को कुछ भी नहीं होने देगा। और यहाँ पर आरव की बातें सुनकर सिमर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सिमर आरव के सामने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो आरव के सामने फूट फूट कर रोती है, जिसके बाद यहाँ पर आरव सिमर को संभालता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनका पोता आरव उनके खिलाफ है। इस लड़ाई में वो उनके दुश्मनों के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर गीतांजलि देवी ठान लेती है कि अब उन्हें अपने पोते आरव को सबक सिखाना ही होगा, उसे हराना ही होगा। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ सिमर अपने बहनों के साथ अपने पापा के लिए सामान ले जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर सिमर आरव को लेकर फिर से लॉकअप में पहुंच जाता है, और जब यहाँ पर पुलिस वाले सिमर को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो अभी यहाँ पर विमान उस पुलिस वालों को अपनी बातों में लगा लेता है। इसकी वजह से सिमर अपनी बहनों के साथ अपने पापा से मिलने पहुंच जाती है, और यहाँ पर सिमर को देखकर उसके पापा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर जब सिमर के पापा रीमा को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो रीमा का नाम लेकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगते हैं, और ये देखकर रीमा काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर सिमर भी काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है, क्या सच में यहाँ पर अविनाश ने रीमा को माफ कर दिया है, क्या सच में अब रीमा को अपने पापा का प्यार मिल जाएगा। देखना दिलचस्प होगा आखिर यहाँ पर अब कौन सा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कहानी में। सीरियल ससुराल सिमर का 2 से जुड़ा इस लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।